सभा के विभिन्न पांच बुलावों में से एक मुख्य बुलावा है टीचर बींग अ टीचर यहाँ तक कि पादरी ऐसा हम उसे संबोधित करते हैं इस बुलावे के बारे में बहुत से सवाल हैं। लेट्स वेलकम डी जगन टीचर ऐसा अगर कहा जाए तो बहुत से इसका मतलब है यहाँ तक कि टीचर इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन ऐसा कहते हैं पर हम पादरी का बोला ऐसा भी कहते हैं पादरी का मतलब ही बहुत से लोग पास्टर भी समझ रहे हैं फंडामेंटली यहाँ खटक रहा है सो so, टीचर इसका मतलब ही बाइबल में बुलावे से इसका क्या मतलब है ये जरा समझाइए इसे पहले भी मैंने थोड़ा समझाया है पास्टरल सेवकाई जो हम कहते हैं मैं कहूंगा कि केवल हमारे ही शहर में ये समस्या है तो या पूरे देश में ये समस्या है पास्टरल जो है इसका सही अर्थ क्या है की

कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया ये दोनों कम्बाइंड है okay, बाकी सभी सेवकाई के लिए कॉमा आया है लेकिन इसमें कॉमा नहीं आया है कम्बाइंड है इसका अर्थ क्या होता है एक पास्टर एक चरवाहा तो शिक्षक भी होता है अगर वो हो तो अच्छा है लेकिन यहाँ पर क्या है हिंदी में से उपदेशक कहा है लेकिन इंग्लिश में से टीचर कहते हैं ओहो oh. पास्टर चरवाहा है वो चराते हैं ये अर्थ है पास्टर की सेवकाई अलग है बुलाहट अलग है इसके फर्क को अगर समझ ले तो अच्छा होगा देखिए जो भविष्यवाणी की जो क्रिया है या काम है अलग है लेकिन भविष्यवक्ता की सेवकाई पूरी तरह अलग है चलिए मैं समझा कर बताता हूँ कहिए कि कोई इवेंजलिस्ट है या कहिए कि वो एक पास्टर हैं चर्च में बताते बताते भविष्यवाणी की बातें कहते हैं जो किसी को छू जाती है वो कहते हैं आपने जो कहा वो तो मेरे बारे में ही कहा आपने करेक्ट परफेक्ट रीति से मेरे बारे में बताया ठीक है पर वो भविष्यवक्ता नहीं बन जाएंगे उनकी सेवकाई में भविष्यवाणी का काम हुआ इन्हें क्या नहीं समझना चाहिए कि आज से मैं क्या हो गया भविष्यवक्ता हो गया सोचना नहीं चाहिए उस जगह वो बात आई वचन कहता है पुराने नियम में शाहुल को भविष्यवक्ताओं में से एक गिना गया कहता लेकिन भविष्यवक्ता नहीं है शमोल भविष्यवक्ता था उसी तरह से पास्टर की सेवकाई में शिक्षक के भी काम होते हैं पर शिक्षक की बुलाहट तो अलग है वो एक गिफ्ट है जैसे ये एक बुलाहट है वैसे वो भी एक बुलाहट है जिस तरह से हम आत्मा के नौ वरदान कहते हैं ना पवित्र आत्मा से भरने के बाद हाँ। अगर उसमें देखें तो हर एक सेवक के लिए जो वरदान चाहिए वो सब उनमें हैं। इवेंजलिस की सेवकाई में हम देख सकते हैं कि अद्भुत काम करने की सामर्थ होती है भविष्यवक्ता को जो भविष्यवाणी का वरदान चाहिए वो भी उसमें है सेवकाई में जो भी जरूरत है वो सब उनमें है पर हम सब शब्दों को एक साथ तो कर सकते हैं ना हाँ वचन ऐसे कहता है नहीं कहा गया लेकिन ऐसा समझने में कुछ गलती है क्या? मांगने में कोई गलत बात नहीं, नहीं है पर वो कितने देते हैं यही तो सवाल Correct. है वो जिसे चाहे देता है ऐसे लिखा है सेवकाई के लिए जो कुछ भी जरूरी हो कुछ लोग कहते हैं नौ के नौ वरदान मेरे लिए क्रिया करेंगे जो परमेश्वर ने दिया है या नहीं दिया है वो नहीं जानते हैं नौ के नौ वरदान जिन लोगों के जीवन में काम करे अगर बाइबल में देखे तो उनमें से एक है यीशु मसीह और दूसरे हैं प्रेरित पॉलुस जैसे आप कह रहे हैं नौ वरदान ले सकते हैं सुन सकते हैं क्रिया कर सकते हैं बाइबल कहती है कि वो उसे बांटता है ठीक है अभी उस वरदान में एक वरदान की तरह वो वहां पर काम करता है भविष्यता के लिए भविष्यवाणी का वरदान प्रचारक के लिए सामर्थ्य के काम करने की शक्ति महान काम करने की शक्ति होती है इसी तरह से उसमें टीचर का भी वरदान होता है और वही वरदान है जो ज्ञान भी बढ़ाते जाता है देखिए ये दो हैं ये ज्ञान की बातों का वरदान जो है ये तो पास्टर और शिक्षक की सेवकाई में देखने को मिलते हैं ये चर्च में होते हैं बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास्टर में कोई गिफ्ट नहीं गिफ्ट नहीं सोचते हैं पास्टर का वरदान है इसका मतलब ये है कि वो चर्च चला रहे हैं वही एक गिफ्ट है वो एक गिफ्ट है हर रविवार मसीह का वचन लाकर वो देते हैं यही जागरूक करने वाला वचन है मसीह को जानने का ज्ञान बहुत से सेवक इसे नहीं जानते हैं वो बस प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे गिफ्ट दीजिए गिफ्ट दीजिए अब देखिए बहुत से लोगों के विचार क्या होते हैं वरदान के बारे में उनके विचार क्या है पूछे तो ठीक होना चाहिए और छुटकारा शैतान को भगाना अगर ये सब रहा तो चर्च अच्छा होगा चर्च अच्छा रहेगा लेकिन वो नहीं जानते हैं परक का वरदान भी एक वचन में दिया है ये वरदान ही सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि कुछ पाने के लिए आने वाला चला जाएगा पर जो वचन के लिए आता है वो कभी नहीं जाएगा चर्च छोड़ के जाएगा ही नहीं क्योंकि जिस जगह पर भी वो जाए उनको ये भोजन नहीं मिलेगा देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं हम चाहे जहां भी खा ले हमारे घर के दाल चावल के जैसे स्वाद नहीं मिलता ऐसे कहते हैं उस घर में खाना खाने वाले लोग चाहे कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में खाए कुछ भी खा ले पर तृप्ति घर के खाने में मिलेगी उस तरह से मैं कह रहा हूँ तो उसमें एक सवाल है बुद्धि के विकास के लिए वरदान ऐसा कहा जाए तो आमतौर पर हम पवित्र आत्मा के साथ बाइबल पढ़ते हैं ऐसा कहते हैं करेक्ट है ना तो हर एक के पास ये बुद्धि के विकास के लिए वरदान होना चाहिए ना जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें इस डायमेंशन को समझ रहा है तो वरदान के साथ ही तो हमें उसे पढ़ना चाहिए सच है लेकिन उसमें एक विषय क्या है कि उनका फोकस तो बिल्कुल सही है लेकिन हम उसे किस हिसाब से ले रहे हैं ये एक बात है अभी देखिए उदाहरण के लिए कहिए कि ज्ञान का वचन वहां पर आता है यानी उसे आप अच्छे से लेकर उगा सकते हैं आप अगर कीचड़ के जैसे हैं तो उसे वैसे ही रखेंगे यानी नाली है तो नाली बन जाएगा कुआ हो तो अच्छा पानी बन जाएगा पवित्र आत्मा जब इसे उंडेलता है आप किस जगह पर है और आपकी आत्मिकता क्या है ये बहुत ही जरूरी बात है कहीं अगर आप आत्मिकता में थोड़े कम है तो वो वरदान उसी हद तक आप में काम करेगा वही तो बात है फिर ठीक करने का वरदान है कहिए कोई जाकर प्रार्थना करता और सब ठीक होता है वही खत्म हो जाता है लेकिन ज्ञान का जो वचन है वो ज्ञान को उजागर करने वाला नहीं है बैठ कर मनन करना है वचन के लिए निश्चयित समय निकाल कर रखना है जो वरदान है उनके लिए प्रार्थना करना है हर एक का अपना समय होता है उसी तरह से ये भी है एक पास्टर की बुलाहट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है पूछे तो ये दो है अब जिनकी ये बुलाहट है उनमें ये ज्यादा काम करती हैं ये गिफ्ट काम करती हैं जब ये वरदान काम करते हैं तो पास्टर और शिक्षक के बीच का फर्क दिखता है टीचर का और पास्टर का जो फर्क है वो दिखता है यहाँ पर देखिए अधिकतर जो लोग हैं उसमें तो यानी जो शिक्षक है वो भी पास्टर बने हैं देखिए उसका कारण है उसके पीछे कारण है वो क्या है अगर ये पूछे तो कहिए कोई बाइबल कॉलेज खत्म करके आता है और फिर वो पास्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं दस साल या पंद्रह साल तक यानी ऐसे समय में जो कुछ भी पास्टर से सीख कर आते हैं वो तो वो तो स्टफ है कोई चीज है अब देखिए ये जो है ये तो उन्हीं के जैसे संदेश देने लगते हैं वो टीचर बनने लगते हैं लेकिन टीचिंग का गिफ्ट अलग है वो उनमें आना चाहिए अभी अगर आप विदेश में चले जाए तो बहुत से टीचर्स हैं बाइबल टीचर्स उन्हें कहते हैं वो अलग से सिखाते हैं वो बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं अलग अलग कोर्स सिखाते हैं और उनके संदेशों में गहराई होती सब होता है अब जो पास्टर है चरवाहे हैं वो चर्च में संदेश देते हैं उन लोगों को क्या चाहिए ये पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करता है क्योंकि देखिए चर्च में हर तरह के लोग आते हैं हर एक को संतुष्ट करने का वचन परमेश्वर देते हैं लेकिन टीचर ऐसा नहीं वो टीच करता है देखिए कोई राजनीतिक नेता मंच पर खड़े रहकर जो भाषण देता है और जो टीचर स्कूल में पढ़ाते उनमें फर्क होता हाँ। है देखिए इनका उद्देश्य अलग है उनका उद्देश्य अलग है वो अपने विचार लाकर बताते हैं उसे स्वीकार करना नहीं करना अलग है यहां ऐसे नहीं है इन बच्चों को अगले क्लास में ले जाना है मूव करना, है। करना है। यही तो फर्क टीचर और पास्टर में होता है पास्टर और शिक्षक में तो यहां पर इस फर्क को समझे बिना ही कई बार क्या होता है कि शिक्षक को पास्टर समझते हैं और पास्टर को शिक्षक समझते हैं पर ऐसा होने में कोई गलत नहीं है ये नहीं 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 गलती ही देखिए अगर, तो गलत तो अगर कोई पास्टर है तो शुरू से नहीं है यानी शुरू से ही वो शिक्षक है ऐसा नहीं यानी अभी हाल ही में आए अगर ये उनमें गिफ्ट है तो ठीक है कोई सवाल नहीं तब क्या कर सकते देखिए चर्च में एक टीचर के रूप में बुलाकर लोगों को हफ्ते के किसी दिन या फिर रविवार की शाम को वो उन्हें सिखाते हैं जो पास्टर हैं वो तो अच्छे टीचर हैं वो बेस्ट टीचर हैं। लेकिन वो क्या करते हैं पूछे तो वो हमारे चर्च में एक टीचर को महीने में एक बार बुलाते थे बाइबल टीचर बुलाते थे आप जिसे कह रहे हैं पास्टर वो खुद क्या करते थे एक बाइबल के टीचर को बुलाते थे बुलाकर उन्हें क्लास लेने देते थे यानी देखिए हर तीसरे रविवार को चाहे शाम हो या सुबह हो तो जैसा कि आप कह रहे हैं वो उन्हें समझ में आता है हाँ, वो क्या सोचते हैं कि हाँ मैं टीचर हूँ वो बुलाहट जिनमें है अगर आप देखें तो जो आने वाले वो पास्टर नहीं है वो टीचर चर्च चलाने वाले नहीं उनकी बुलाहट ही टीचर की है अभी हाल ही में कुछ लोग इसके फर्क को समझने लगे हैं एक बुजुर्ग पास्टर उनके चर्च में कहते हैं मैं पास्टर हूँ मुझे बुलाते वक्त कहते वो टीचर है शायद ये टीचिंग हमारी चर्च को चाहिए इस वजह से उन्हें बुलाए इस तरह कहते हैं तो इस तरह ब्रॉड माइंड रखें साथ ही कलीसिया के लिए अगर बोझ होगा तो तो कलीसिया वचन में बढ़ती जाएगी चर्च अगले लेवल पर पहुंचेगा लेकिन अब यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई है एक टीचर को लाए तो वो आकर क्राउड को उठाकर ले जाते हैं या क्राउड को बांट देते हैं देखिए इस तरह के भी लोग हैं क्योंकि इन लोगों के पास में जो गुण हैं वो क्या है पूछे तो ये अच्छे से बोलते हैं इसलिए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत ही उनके पास जाकर कॉन्टैक्ट करते हैं उनके पास जाकर बातें करते हैं डिटेल्स लेते डाउट्स बताते ऐसा माइंड होता है आखिर में क्या होता है कि अरे सब टीचर के पास क्यों जा रहे हैं तो ये जो कली से आई आइए टूट जाएगी ऐसा डर आने लगता है इसके परिणाम में क्या होगा अगर ये पूछे तो पास्टर कहते हैं मुझे शिक्षक नहीं चाहिए मैं ही शिक्षा दूंगा ऐसे वो निर्णय लेते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं रविवार की आराधना में रुक जाते हैं चर्च में टीचिंग नहीं होती है टीचिंग जरूरी है वही तो चर्च को अगले स्तर पर ले जाएगी इसी वजह से पहले मैं यहाँ पर इस वक्त कह रहा हूं इस पीढ़ी के पास्टर में सभी कलीसियाओं में बाइबल स्टडी तो है ही वीक डेज में होती है पर चर्च क्राउड में से 20 से 50 प्रतिशत लोग आते हैं वो वचन के लिए आते हैं और कुछ नहीं होता है केवल वो दो गाने गाते हैं और वचन पर बात करते एक घंटा डेढ़ घंटा तो उस वचन में लोग बढ़ रहे हैं तो इसी तरह से बाइबल में देखिए बहुत से शहर जैसे कि के लोग वचन में बढ़ते गए है ये एक फैक्ट है इसे के काम की किताब अध्याय तेरह वचन एक में अगर आप पढ़े तो पाएंगे चलिए मैं पढ़ता हूँ एक्ट थर्टीन वन अंताकि में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे जैसे बर्नबास और शमोन जो नीगर कहलाता है और लुकीयूस कुरेनी और चौथाई देश के राजा देश का दूध भाई मनाहेम और यानी ये भविष्यवक्ता थे यानी वहां पर वो तो भविष्यवक्ता थे और शिक्षक थे उसी चर्च में एक चर्च में कितने लोग थे देखिए ये चर्च को अगले स्तर पर लेकर गए कहां पर अंताकि में अंताकिया में पहला चर्च बनाया गया और वहां पर नाम दिया गया ये मसीह लोग ये ऐसे। पहली सदी में चर्च के हेडक्वार्टर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण शहर था अंताकिया उसमें ये हो रहा है अब देखिए एक चर्च की बनावट कैसी है एक टीचर और एक पास्टर एक भविष्यवक्ता सब मिला के बनावट हुई भविष्यता एक कॉम्बिनेशन एक अब इन्हें पांच उंगलियों की तरह देखिए पांचों उंगलियों के साथ काम करना यही तो हाथ का काम है अगर एक्सीडेंट में उंगली कट जाती है तो हाथ काम नहीं कर पाता है इसलिए वो अपाहिज हो जाते हैं फिजिकली चैलेंज ऐसे कहते हैं इसी तरह पांच तरह की सेवकाई चर्च में होनी चाहिए जब ये होते हैं ये काम करते हैं तो देखिए वो कलीसिया केवल शारीरिक विकास नहीं लेकिन आत्मिक विकास पाती है देखिए अंतिम समय में क्राउड भीड़ को देखना ही लोगों की इच्छा हो गई है बड़ी भीड़ बड़ी भीड़ बड़ी भीड़ सभी ये चाहते हैं संसार भी चाहता है चर्च भी चाहता है मेगा इस तरह से मेगा चर्च मेगा क्राउड इस तरह तो क्या होता है शारीरिक रूप में चर्च बढ़ जाता है पर आत्मिक रूप में है या नहीं ये जरूरी है अब बढ़ोतरी दो तरह की होती है एक इस तरह से बढ़ना है एक इस तरह से बढ़ना है दोनों बराबर हो तो ही सही है अगर ये इस तरह से बढ़ते जाए तो मोटापा है ऐसे अगर चर्च इस तरह बढ़ते जाए तो ये मोटापा है दो हजार तीन हजार चार हजार लोग आत्मिक रूप में इस तरह ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर बढ़ना होगा ये दोनों बराबर हो तो ही सही है चर्च में अगर दो हजार लोग हैं लेकिन बीस लोग ही वचन में उत्तम है तो हम असफल हैं स्कूल में 2000 बच्चे हैं केवल 20 ही बच्चे पास हुए तो स्कूल फेलियर है ना इसी तरह से देखिए चर्च के लिए उनके आत्मिक स्तर के लिए टीचिंग मिनिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सपोर्टिव है अगर इसकी प्रोसीजर कहे तो जो एवेंजलिस्ट है लोगों को चर्च में लाता है यहाँ आते ही एक पास्टर उनका स्वागत करते हैं यानी प्रेतों के उपदेश में स्वागत करते हैं तो जब ये आते हैं तो भक्ति में उन्नति होने के लिए जो भविष्यवाणी है यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं भविष्य के द्वारा ये अगले स्तर के लिए चेले बनकर, विश्वासी चेले बनकर बनकर विश्वासी सेवा ये ये शिक्षक के हाथ में पांचों जब मिलकर काम करते हैं तो चर्च में आत्मिक रीति से उन्नति होती है तो आपने एक टीचर के फाउंडेशन के बारे में कहा यहाँ तक कि एक चर्च के अंदर एक टीचर की सेवकाई Uh, ये जो है ये कितना इम्पोर्टेंट uh, है यह आपने स्पष्ट किया है और बताया मेरा सवाल यह है कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है इस तरह का एक बुलावा मेरे लिए है ये मैं कैसे समझूं बाइबल uh, में जो कैरेक्टर्स है उसे हम uh, उस तरह के एक टीचर्स uh, अब क्राइस्ट को भी एक टीचर को देख रहे हैं जैसा कि आपने कहा अपोसल पॉल बट वो उन टीचर का व्हाट इज द मेन रोल वो टीचर का मेन रोल क्या है uh, वो बर्डन कैसा रहेगा Uh, क्योंकि uh, लगभग uh, टीचर का मतलब ही uh, आप पास्टर हो सकते वर्स हो सकते लेकिन उस पार्ट में वो आ रहा है जरूर uh, टीच करते हुए वो भाग जरूर आता है तो कैसे हम उसे अंडरस्टैंड करके uh, यही मेरा कॉलिंग है ये हम इसे कैसे समझ के करेक्टली uh, कैसे समझेंगे यही मेरा सवाल है छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे सो इस टीचर के बुलावे में ये कॉलिंग मेरे लिए है आई मॉस कॉल्ड इन दिस पर्टिकुलर गिफ्ट ये मैं कैसे समझूं? देखिए हर एक बुलाहट के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ देखिए जब हम माँ की कोख में थे तभी परमेश्वर ने हमें भविष्य या कुछ और ठहराया देखिए ऐसे अलग करते समय टीचिंग के लिए निश्चय ही एक तरीका होता है यहाँ उदाहरण के लिए मैं खुद को ही ले लेता हूँ यानी देखिए शुरू से ही मेरे मन में पास्टर का विचार नहीं था चरवाहा बनने का विचार तो मेरे मन में नहीं था क्योंकि वो बुलाहट नहीं थी क्योंकि वो बोझ था मैं हमेशा कहता हूँ पास्टर बनना है तो पिता का हृदय होना चाहिए चर्च के लिए पिता का हृदय होना चाहिए फादर्स हार्ट फादर अब देखिए ऐसा हृदय शुरू से ही वहां पर था या नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी मेरी इच्छा नहीं थी इसलिए प्रभु ने उस और मुझे नहीं चलाया लेकिन वचन के बारे में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ रही थी वचन के बारे में मुझे में प्यास है यानी वचन पर मुझे मनन करना है इसके बारे में मुझे दूसरों को सिखाना है या टीचर्स के पास मुझे अच्छे से याद है मेरे कॉलेज के समय में उस समय मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था तब मैं और मेरे एक दोस्त एक सिखाने वाले बाइबल टीचर के पास बाइक से एक घंटा जाते थे जाकर उन्हें सुनने के लिए बैठ सुनते थे डेढ़ घंटे की क्लास करते थे क्लास के बाद वापस आने के लिए एक घंटा लगता था तो उतना बर्डन के साथ देखिए ये जो है ना थर्स्ट इस प्यास को प्रभु हमेशा बुझाते रहे तो घंटा की यात्रा आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं नहीं चलता जाते वक्त सोचते थे कि आज वो क्या सिखाने वाले हैं वापस आते समय जो सिखाया उस पर चर्चा करते हुए आते थे जाने का पता नहीं चलता था आने का पता नहीं चलता था शुरू से ही एक पास्टर की सोच तो नहीं थी इसमें बस इस तरह से पढ़ते जाना पढ़ते जाना है केवल यही नहीं चर्च में जब टीचर आते थे सभी की सुनते तो थे लेकिन टीचर के बारे में ज़्यादा अटेंशन था किसी ने नहीं कहा किसी ने नहीं बताया था ये तो बुलाहट के आने के समय बेस के जैसे थी एकदम डिफॉल्ट ऐसी आ जाती है मैं उस पास्टर की सेवकाई में नहीं गया मेरे साथ के कुछ दोस्त इस तरह पास्टर की सेवकाई में चले गए मुझे में वो विचार नहीं था मुझे पास्टर बनना ऐसा विचार ही नहीं यही था यही तो आपने कहा कि वो अलग बात है अगर पास्टर बुलाते हैं अरे भाई मेरे असिस्टेंट हो जाओ तो जरा सचेत हो जाइए प्रभु बुला रहे हैं ये देख ले वो बुलाए और बाद में भगा दे इस तरह नहीं होना चाहिए कई बार देखिए ये बुलाहट टीचिंग की बुलाहट जैसे मुझ में है जब ये बुलाहट आती है तो वचन बताने वाले ये सिखाने लगते हैं जैसे मैंने कहा एक पास्टर एक टीचर है यानी वो तो बुधवार के दिन सिखाते हैं बाइबल स्टडी करते हैं यानी उसमें जाना है और जब ये सुनते चले जाते हैं और अगर हम में बुलाहट है तो हम इसके बारे में थोड़ा और समझते चले जाएंगे उसके बाद में सेकंड कमिंग का जो विषय है प्रकाशित वाक्य को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया एक जगह मुझे अच्छे से समझ में आया कि मैं पास्टर नहीं हूँ उसी के साथ में इवेंजलिस्ट भी नहीं हूं वही मैं अक्सर कहता हूं अभी कुछ इवेंजलिस्ट हैं बड़ी भीड़ आती है तो वो उन्हें सुसमाचार बताते हैं शुद्ध सुसमाचार मैं शुद्ध सुसमाचार बता पाऊंगा या नहीं ये संदेह था सुसमाचार बताया आमने सामने बैठकर बताया बहुत से लोगों को सुसमाचार बताया देखिए उस समय मेरे पास में साइकिल थी साइकिल चलाते हुए कोई अगर लिफ्ट मांगता तब साइकिल से लिफ्ट मांगते थे जो भी बैठता उन्हें सुसमाचार सुनाता था तो सुसमाचार बताता देखिए ऐसे एक बड़ी भीड़ को प्रचार करना हाँ बिलीग्रह हा, बिली के जैसे या रेनट बॉन्की के जैसे इस तरह इतने बड़े लोगों के जैसे मैं बता पाऊंगा यानी संदेह था ऐसा इसलिए क्योंकि बुलाहट नहीं थी ये एक तरह की यानी झलक थी लेकिन सिखाने के लिए कहे तो इन्वॉल्व हो जाता था या, इच्छा जी एक दिन जब मैं सिखा रहा था तकरीबन पौने तीन घंटे सिखाया टाइम का पता ही नहीं चला। कैसे चला गया पता ही नहीं चला जो बैठ के सुन रहे थे उन्हें भी पता नहीं चला मैं उन्हें सिखा रहा था देखिए जो नीचे बैठकर सुनते हैं उनमें से कोई रेस्टलेस हो जाए बेचैन हो गए तो समझ में आता है जी हाँ तो हम रोक देते हैं पौने तीन घंटे सुनते रहे वो हिले तक नहीं और हम सिखाते चले गए इसलिए टीचर की जो बुलाहट है अगर ये बुलाहट है तो वो आगे बढ़ते जाए यही मैं कह रहा हूँ तो ऐसी ये जो बुलाहट है मुझ में थोड़ी थोड़ी आती चली गई शुरू में सभी लोग तो यानी इवेंजलिस्ट इवेंजलिस्ट कहते थे ब्रदर भी कहते थे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम सब लोग मसीह में भाई है इसमें कोई भी दो राय नहीं है आप इवेंजलिस्ट हैं इस तरह कुछ कहते हैं पर वो जो भी कहेंगे वो टीचिंग होगी पब्लिक मीटिंग में भी जाए तो वहाँ पर स्क्रीन लगाकर प्रोजेक्टर लगाकर टीच ही करते हैं देखिए ये तो परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है बस यही मैं सोचता हूँ एक बार गॉस्पल ओपन ग्राउंड में सिखा रहे थे उसे लोगों को समझा रहे हैं और लोग उसे अपनाते हैं ये तो सौ फीसदी मसीह का काम है कैसे कहे अगर ये पूछे तो यानि एक चीज़ का ऑर्डर किया और जैसे दूसरी ही चीज खाते हैं ऐसे शायद हमें इवेंजलिस्ट करके बुलाया होगा पर वहां जाकर टीच करते हैं ये भी प्रभु का ही काम है वही है तो जो टीचिंग की बुलाहट है वो यही है इवेंजलिस्ट का हार्ट उनमें नहीं होगा इवेंजलिस्ट कहते हैं सबको सुसमाचार बताना ही है सुनने वालों को सही सुनना है इसलिए फिर से कह रहा हूं तो क्या टीचर कभी भी प्रचार नहीं करते हैं ऐसा नहीं है चाहे प्रेरित हो जो भी हो सुसमाचार बताना हमारी जिम्मेदारी है बुलाहट अलग है जैसे आपने कहा बिलीग्राह पर बुलाहट थी रेनड बॉन्की पर बुलाहट थी इसी तरह से वैसे सब प्रचार करते हैं लेकिन बुलाहट नहीं है उसी तरह से अगर हमें इवेंजलिस्ट कहते हैं तो कहने दीजिए लेकिन बुला टीचर की है तो ये सब उसी पर ही जाता है उसी की इच्छा होती है इसमें क्या है ये देखे तो देखा जाए तो सब लोग इवेंजलिस्ट को पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी भीड़ आती है पर टीचिंग के लिए बीस लोग आते हैं स्मॉलर छोटे uh, क्राउड crowd. के लिए सिखाते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत ही उसका जो इफेक्ट है वो अलग है देखिए सब लोगों को बताता हूँ चाहे 20 लोग हो या 30 लोग हो टीचर आके सिखाते हैं उसका इम्पैक्ट अलग होता है वो सिखाते हैं ये बुलाहट है उन बीस लोगों में जो बदलाव है वो आप आधे घंटे में देख पाएंगे परमेश्वर वचन से बात करते हैं देखिए ये तो एक फैक्ट है देखिए परमेश्वर ऐसे कहते हैं फिर परमेश्वर का इनमें एक और मूव होता है इस बुलाहट में एक और मूव है ये चलन क्या है अगर आप ये पूछे तो अब देखिए जब इवेंजलिस्ट को हम देखते हैं यानी उस तरह का उसे गुण देते हैं उस तरह का हृदय उसे देते हैं यह आत्मा नाश हो रही है नरक में जाएंगी इसे बचाना होगा इस तरह का हृदय होता है वही जो एक पास्टर है ना उसमें बिल्कुल अलग हृदय होता है चर्च के लोग कैसे हैं कुछ लोग दुख उठा रहे हैं अगर कोई हॉस्पिटल में है तो जाकर उनसे मिलते हैं हाउस विजिट करते हैं ये बर्डन पिता का हृदय इसी तरह से टीचर का एक हृदय है वो क्या करते हैं अगर पूछे तो अगर इस वचन को ये नहीं मानेंगे तो इनकी ये आत्मिकता घटती चली जाएगी अगर ऐसा रहा तो अगली पीढ़ी नहीं होगी अगले स्तर पर उन्हें जाना है ऐसे एक... पर उन्हें ले जाना है यह विचार होता है देखिए अगली पीढ़ी को इस तरह मसीह के लिए बनाते हैं क्रिएट करते हैं बनाते वक्त क्या करते अगर देखे तो ये जो टीचर का हृदय है पिता की तरह प्रेम उस हद तक नहीं होगा मैं फैक्ट बता रहा हूं गलत मत समझिए देखिए पास्टर में जो प्रेम होता है ना वो टीचर में नहीं होता है टीचर के पास अनुशासन होता है वो अलग है अनुशासित करेंगे तो लोग मानेंगे कुछ लोग पूछते हैं वो अनुशासित करते हैं आप उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं कोई कुछ कह दे तो बड़ी परेशानी होती है यह उस बुलाहट का इफेक्ट है जरा सोचिए रोड पर चलते समय अगर आपको कोई मारे तो मानेंगे क्या पर आपके टीचर मारे तो तो आप उसे सहेंगे ना यही तो उस पोस्टिंग की पावर है उसी तरह से बाइबल टीचर जो है उनके जो पावर हैं उनके अनुशासन को अगर कोई अपनाता है तो अपनाने वाले के हृदय को परमेश्वर बदल देते हैं इसलिए देखिए जब भी यीशु ने शिक्षा दी फरीसियों ने नहीं अपनाया पर लोगों ने अपनाया अपनाया पब्लिक पब्लिक ने ने मान लिया मैं यही कह रहा हूं यीशु ने इन शब्दों में कहा हे फरीसियों तुम तो मुंह देख कर सिखाने वाले हो देखिए वो तो मुंह देख कर सिखाया करते थे यीशु वैसे नहीं थे सत्य को सत्य के जैसे सिखाते थे वही कॉन्सेप्ट है उनको समझ में आता है हाँ ये जो कहा वो गलत नहीं है करेक्ट है अपनाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है बस यही तो विषय है पर जो कहा है वो सही है इसलिए ऐसे टीच करते समय अगर सही तरह से सिखाए तो उसका विरोध करने वाले भी बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं तुम ऐसे क्यों सिखा रहे हो तुम डांट रहे हो ऐसे भी कहा लेकिन गलत सिखा रहे हो ये नहीं कहा तो जब टीचर सिखाते हैं तो वो उनको गलत नहीं लगता क्योंकि ये उनमें बुलाहट है उसे वो समझे नहीं और बात कर रहे हैं ऐसे भी यानी जो नहीं समझा वो बता रहे ऐसी भी बात है लेकिन यीशु ने जो शिक्षा दी उसे सब लोगों ने स्वीकार किया उसे स्वीकार करके यानी ये जो कह रहे हैं वो सही है यीशु की शिक्षा मैं फिर से कहता हूँ जो उसने सिखाया वो सब सही है बस क्या है जो वो सिखा रहे हैं वो मुश्किल है अब देखिए यीशु मसीह ने यानी एलिया के बारे में बताया सारपत की विधवा के बारे में और नामान के बारे में बताया जब यीशु ने सिखाया तो उस समय लोग उस पर पत्थरवा करना चाहते थे कौन जो विश्वास करते थे लेकिन बात क्या थी उसने गलत नहीं कहा जब यीशु ने बोला तो इन लोगों को चोट पहुंची चोट पहुंची तो वो ऐसे बात किए बिना नहीं रहे देखिए यीशु मसीह वो सभी सेवकाइयों का हिस्सा है वो पास्टर है वो प्रचारक भी हैं और शिक्षक भी हैं सब हैं वो पास्टर भी हैं वो टीचर भी हैं तो देखिए जब वो टीचर हैं तो उसने बताए हुए कुछ विषय थोड़े मुश्किल होते हैं देखिए पास्टर जो होते हैं कलिसिया को देखकर बोलते हैं अगर मैं इन्हें ज्यादा डांटूं तो इन्हें बहुत दुख होगा ज्यादा डांटना नहीं चाहिए इससे अलग में बात करते हैं टीचर ये सब नहीं करते वो सीधा जाकर यही सत्य है तुम ऐसा ही करो कहते देखे कुछ समय कुछ पास्टर्स इस तरह कहते हैं यानी वो पास्टर ये कहते हैं आप लोग आकर डांटते हैं चले जाते हैं कहते हैं चर्च चलाना कितना मुश्किल हो जाता है तो मैं कहता हूँ उतना ही मुश्किल भरा काम टीचर का भी होता है कि वो ऐसे सिखाएं देखिए वो बताकर चले जाते हैं फिर सब मिलकर ये कहते हैं उन्हें फिर से मत बुलाना बहुत स्ट्रांग वचन बताते हैं बहुत कठोर बोलते हैं तो उनकी सेवा कैसे चलेगी उनके पास चर्च नहीं जहां भी जाए कठोरता से बोलते हैं कठोरता से बोलते हैं कह तो क्या होगा तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं सत्य अलग तरह से बताते हैं उस चर्च के लिए थोड़ा सा पोलाइट या नम्र रूप में बताते हैं मैं कहता हूं सत्य को सत्य के जैसे सिखाइए कुछ मुश्किलें तो आएंगी ही विरोध तो होगा ही ये टीचर की सेवकाई की मुश्किलें लेकिन बुलाहट ऐसे ही आगे लेकर जाएगी वो बुलाहट अंत तक चलने की क्षमता रखती है बहुत से फाउंडेशन की बात आपने कही जगन इनफैक्ट और कहा जाए तो ये जो शब्द है इसे और हम क्लैरिटी से देखेंगे तो वो कितना क्लियर हमें समझ में आता है उसके अलावा टीचर्स का रोल भी हमें समझ में आता है ये एपिसोड समाप्त हो रहा है अगले एपिसोड में आ, अब इस टीचर ऐसा एक पार्ट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं देखिए हम तो टीचर यानी शिक्षक की बुलाहट क्या है देख रहे हैं टीचर की सेवकाई का, का काम क्या है फल क्या है वो कितने महत्वपूर्ण है चर्च को उनकी कितनी जरूरत है कौन कौन इसे कर चुका है ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे अगले एपिसोड में हम टीचर इसके बुलावे के बारे में हम और डीपली देखेंगे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद